हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वाले वीडियो में मैं तुम लोग को टॉप बेस्ट स्मार्टफोन बताने वाला हूं जो कि हमारे अंडर 20,000 के मिल जाएंगे। और इन सब स्मार्टफोन में अगर तुम लोग चाहिए कि बेटर एम्यूलेशन कर सको और बटर स्मूथ जैसा तुम लोग का यहां पे जो भी एम्यूलेटर है वैसे रन करे, गेमिंग तुम लोग का बेटर हो जाए, पबजी से लेकर फ्री फायर भी तुम लोग का चल जाए और वो भी अंडर 20,000, तो क्योंकि गाइस मैं टेक्नोकिश हूँ और मेरे को अधिकतर ज़्यादा जानकारी है डिवाइसेस के बारे में। और मेरे चैनल में ना गाइस काफ़ी सारे बंदों का कमेंट आता है, वो सब बोलते हैं कि भाई ये वाला डिवाइस बेटर है। तो गाइस ऑब्वियसली मेरे को कुछ ना कुछ तो पता ही होगा डिवाइसेस के बारे में। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। टॉप 5 स्मार्टफोन बताऊँगा सस्ते से लेकर लास्ट हम 20,000 में जाएंगे और होप जो वीडियो तुम लोग को पसंद आएगा। चलो गाइज स्टार्ट करते हैं। पहला जो स्मार्टफोन है गाइज अंडर तुम लोग को 15K के भी अंदर मिल जाएगा, अंडर 13K के भी अंदर मिल जाएगा तुम लोग को। वहाँ पे एम्यूलेशन भी बेटर सपोर्ट रहेगा। तुम लोग को रैम चाहिए तो रैम भी तुम लोग का 8GB तक मिल जाएगा गाइज। बताओ कितना बेटर तुम लोग को बता दिया मैंने ओपिनियन। तो इस वाले स्मार्टफोन का गाइज नाम है यहाँ पे मोटोरोला मोटो G34। और ये अगर तुम लोग को चाहिए तो बेटर रहेगा कि इसका 8GB वेरिएंट ले लेना। और यहाँ पे क्योंकि स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर तुम लोग को मिल जाता है और यहाँ पे इस वाले डिवाइस का बेंचमार्क लगभग मिल जाएगा तुम लोग को 3.5 लाख। तो भाई अगर तुम लोग मेरे से पूछोगे कि अंडर 12,000, भाई 12,000 का गाइस ये वाला जो है डिवाइस है और वो भी सबसे हाईएस्ट वेरिएंट इसका 8GB रैम के साथ है और 23 में ही अभी लॉन्च हुआ है, मतलब पहले ये लॉन्च हुआ था। और गाइस यहाँ पे तुम लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ मैं तुम लोग को, 5G का तुम लोग को डिवाइस में सपोर्टेड तो मिल जाएगा लेकिन यहाँ पे है कि जो डिस्प्ले है ना इसका तुम लोग को LCD पैनल देखने मिलेगा सामने की तरफ, मतलब कि तुम लोग को यहाँ पे AMOLED का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है गाइस। अगर तुम लोग का गाइस बजट कम है ना, और मेरा खुद का ओपिनियन तुम लोग पूछोगे अंडर 12,000 भाई स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर मिल रहा है, बेटर ओपिनियन है तुम लोग में यहाँ पे जो एम्यूलेटर्स है वो भी रन कर सकते हो, BGMI बढ़िया चलेगा, PUBG फ्री फायर ये सब भी तुम लोग खेल सकते हो। बाकी यहाँ पे गाइस अगर मैं तुम लोग को बताऊँ कि कैमरा इसका कितना तुम लोग को मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का यहाँ पे कैमरा है, मतलब कंपनी ऐसा दावा तो करती है 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। बाकी मेरे अनुसार से गाइस ये वाला बेटर स्मार्टफोन हो सकता है तुम लोग के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्मार्टफोन है गाइस Vivo IQ Z7S 5G। और इस वाले डिवाइस में ऐसा क्या क्या चीज़ हम लोग को एडिशनल मिलने वाला है, ज़्यादा बेटर मिलने वाला है जो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस डिवाइस जो मैंने तुम लोग को बताया 11,500 रुपये करीब था। तो मतलब कि गाइज यहाँ पे तुम लोग को डिस्प्ले पे AMOLED का सपोर्ट मिल जाएगा, 90Hz का डिस्प्ले है, 1300 nits का पीक ब्राइटनेस डिस्प्ले में तुम लोग को सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है 695 5G भी है, मतलब कि डिस्प्ले बेटर है यहाँ पे। कैमरे का गाइज बात किया जाए तो पिछले वाले में तुम लोग को 50 मेगापिक्सल था, इस वाले में 64 मेगापिक्सल में पिछवाड़ा का जो भी कैमरा आता है वो है। और जो सामने का अगर तुम लोग बोलोगे सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, तो उस अनुसार से यहाँ पे अगर तुम लोग को चाहिए तो वीवो का वैसे भी भाई तुम लोग को पता ही है जो कैमरा होता है ना उसमें मेन फोकस होता है, लेकिन इस वाले डिवाइस में तुम लोग को प्रोसेसर भी बढ़िया दिया गया है, प्राइस रेंज भी बढ़िया है, एंड्रॉयड वर्जन 13 है यहाँ पे। तो मतलब कि तुम लोग अगर एम्यूलेटर्स प्ले करते हो यहाँ पे बैटर चल जाएंगे तुम लोग के, तुम लोग यहाँ पे पबजी फ्री फायर प्ले करते हो बैटर मिल जाएगा, 8GB रैम तक का तुम लोग को सपोर्ट है, लास्ट हायर वेरियंट इस वाले डिवाइस में आ जाता है 8GB रैम। तो इस वाले डिवाइस को मैंने तुम लोग को सब चीज़ भारी भारी चीज़ बता दी अगर तुम लोग को और चीज़ सर्च। अभी आ गया हम लोग का नेक्स्ट डिवाइस OnePlus Nord CE 2 Lite 5G। तो मतलब कि इस वाले डिवाइस का नाम कितना ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे तुम लोग को क्या क्या बेटर चीज़ मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जितने भी दो डिवाइस हैं मैंने तुम लोग को बताया Moto G34 और उसके बाद आ गया IQ Z7S, इसके मुकाबले तुम लोग को यहाँ पे क्या चीज़ बेटर मिल जाता है जो कि इसको प्राइस रेंज में 18,000 के ऊपर लेके जाता है। OnePlus का लोगो मिल जाता है सबसे पहले एड बैक, मतलब कि OnePlus का कंपनी यहाँ पे तुम लोग को मिलता है। उस अनुसार से यहाँ पे OnePlus के सारे डिवाइस में ना गाइस तुम लोग को बहुत ज़्यादा बटरी स्मूथनेस देखने मिलता है, जो भी इनके UI होते हैं। 120Hz का डिस्प्ले पैनल है गाइस, ये बात अलग है कि LCD है लेकिन है 120Hz का, तो मतलब यहाँ पे तुम लोग को AMOLED का सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। बाकी यहाँ पे तुम लोग को प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 695 है, 5G है। अगर तुम लोग को रैम चाहिए तो 8GB का रैम तुम लोग को 20,000 से भी ऊपर जा सकता है इस वाले डिवाइस में अगर तुम परचेज करते हो। बाकी 6GB का रैम तुम लोग को यहाँ पे लगभग 18,000 के करीब देखने मिल जाएगा। और यहाँ पे तुम लोग को एंड्रॉयड वर्जन 12 है, लेटेस्ट ये कब रिलीज़ हुआ था 2022 में रिलीज़ हुआ था, मतलब कि उतना भी ओल्ड डिवाइस नहीं है। और गाइस सबसे मेन चीज़ जो हम लोगों को ना एम्यूलेशन के लिए चाहिए होता है इस वाले डिवाइस में वो है या नहीं है,
उसका मतलब होता है गाइस टू बेंचमार्क, मतलब कि किसी डिवाइस में अगर तुम लोग मेजर करोगे कि इसका जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है वो असली है या नकली है, ऑप्टिमाइजेशन कैसे हैं इसमें, तो वही बताता है कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे हैं इस वाली डिवाइस के। मतलब कि यहाँ पे तुम लोग को निकल के आता है अंतु बेंचमार्क 4.5 लाख के करीब। वही तुम लोग पूछोगे भाई 12,000 वाले में भी हम लोग को स्नैपड्रैगन 695 मिल रहा है, 15,000 में मिल रहा है यार, इसमें ऐसा क्या खास दे रही है 18,000 रुपये का स्नैपड्रैगन 695। वही बात है गाइस, सबसे पहला तो बात है वन प्लस का नाम है वो बात अलग है, ग्रीन स्क्रीन वन प्लस का नाम है, ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे तुम लोग को सबसे ज़्यादा खतरनाक देखने मिल जाते हैं, तो उस अनुसार से हम लोग को यहाँ पे एंटीटू बेंचमार्क सबसे बेटर स्नैपड्रैगन 695 फैमिली में मिल जाता है। एक चीज़ रह गई गाइस, कैमरा का बात करूँ तो यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का है, मतलब कि वीवो ही के जैसा है, लेकिन गाइस अगर तुम लोग कैमरा बोलो ना किसके बेटर होते हैं भाई, वीवो के ज़्यादा बेटर होते हैं कैमरा एज कम्पेयर टू अदर। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, खुद का एक्सपीरियंस, तुम लोग अपना भी बता सकते हो। बाकी जो नेक्स्ट डिवाइस आ गया ना, इस वाले डिवाइस को मैंने हैशटैग सेकंड रैंक में क्यों रखा, सबसे पहले तो डिवाइस का नाम बता देता हूँ, Realme 9 5G SE। और ये जो डिवाइस है गाइस 2022 में आया था इंडिया में, तो मतलब कि अभी मे बी आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है, लेकिन इस वाले डिवाइस में ऐसा क्या है जो हमने हैशटैग सेकंड रैंक में डाल दिया। यहाँ पे गाइस हम लोग को मिल रहा है स्नैपड्रैगन 778G 5G का प्रोसेसर, मतलब कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है गाइस अंततु बेंचमार्क स्कोर में भाई बाप है यार, ये इस रेंज वाले सभी डिवाइस का, तो मतलब कि 5.5 लाख का बेंचमार्क स्कोर है इस वाले डिवाइस में। और भाई एक चीज़ गाइस, मैं फिर भी देखो सब चीज़ मैंने तुम लोगों को बताया है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है गाइस, LCD पैनल मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे तुम लोगों को जो डिस्प्ले का ब्राइटनेस है थोड़ा सा कम मिल जाता है। अनुसार से ना इस वाले डिवाइस का जो प्राइस रेंज है ना गाइस वो भी बजट में ज़्यादा आ जाता है, तो मतलब कि 15,999 6GB रैम स्नैपड्रैगन 778 5G का, तो मतलब कि सही है 15,999 और क्या ही चाहिए। बाकी यहाँ पे मैं तुम लोग को और थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, मोटा मोटा स्पेसिफिकेशन बता दिया मैंने तो। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे तुम लोग को एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि 2022 में आया था उस टाइम इतना लेटेस्ट एंड्रॉयड आया नहीं था। अपग्रेडेबल है एंड्रॉयड 12 तक का, मतलब कि यूजो एंड्रॉयड एमुलेटर तुम रन कर सकते हो, मोबॉक्स रन कर सकते हो, लेटेस्ट जो भी अभी तक के हाई एंड एमुलेटर्स चल रहे हैं वो सब तुम लोग रन कर सकते हो इस वाली डिवाइस में। बाकी कैमरा अगर मैं तुम लोग को बोलूँ तो यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का है, 48 मेगापिक्सल का है, और अगर सेल्फी कैमरा बोलूँ 16 मेगापिक्सल का सामने का कैमरा यहाँ पे तुम लोग को मिल जाएगा। तो मतलब कि अगर तुम लोग को चाहिए कि व्लॉगिंग के लिए कैमरा, या तुम लोग को चाहिए कि इंस्टाग्राम में मुजरा करना है तो उसके लिए भी कैमरा होना चाहिए HD, तो भाई तुम लोग को कैमरा के मामले में इस वाले डिवाइस में थोड़ा और सोच लेना, डिस्प्ले के मामले में इस वाले डिवाइस के लिए थोड़ा और सोच लेना। बाकी प्रोसेसर ही इसका इतना ज़्यादा पावरफुल है जो कि सब चीज़ को निचोड़ गया है, खा गया। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट ये आ गया हम लोग का Poco X6, नाम तो धमाकेदार है, तो मतलब समझ गए होगे। यहाँ पे गाइस क्या चीज़ है जो कि इस वाले डिवाइस को 20,000 रुपये के रेंज में ले जाता है। यहाँ पे इस वाले डिवाइस का जो सबसे स्पेशल चीज़ है ना गाइस, यहाँ पे तुम लोग को मिल रहा है 7S Gen 2 अंडर 20,000 के भाई। तो भाई इस वाले डिवाइस का स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, सबसे पहले तो बात डिस्प्ले में कि डिस्प्ले में क्या क्या दे रहे हैं इतने रुपए में। डिस्प्ले में गाइस तुम लोग को मिल रहा है AMOLED का डिस्प्ले, 68B कलर्स, 128Hz भाई, 1800 nits का पीक ब्राइटनेस, मतलब कि डिस्प्ले के मामले में ना भैंस की आँख, ये अभी तक के प्रीवियस जितने भी डिवाइस मैं तुम लोग को बता दिया सबका बाप है। और गाइस यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ क्या है, एक तो हो गया ये तो अभी अभी जनवरी ही में रिलीज़ हुआ, 2024 के जनवरी में रिलीज़ हुआ है, एंड्रॉयड तुम लोग का 13 मिल जाएगा यहाँ पे वर्जन, और यहाँ पे वो एंड्रॉयड वर्जन 14 तक अपग्रेडेबल है। और भैंस की चिपसेट गाइस यहाँ पे 7S Gen 2, उस अनुसार से इस वाले डिवाइस का बेंचमार्क स्कोर है 7 लाख का, Adreno 710 डला हुआ है भाई, 7 लाख से 8 लाख का बेंचमार्क स्कोर है गाइस यहाँ पे। एंड्रॉयड वर्जन 13 है, अपग्रेडेबल है एंड्रॉयड वर्जन 14 तक का। और गाइज यहाँ पे तुम लोग को कैमरा में क्या क्या मिल जाता है, कैमरा में है गाइज 64 मेगापिक्सल, और सेल्फी चाहिए तो 16 मेगापिक्सल का कैमरा, मतलब कि कैमरा भी प्रीवियस के सभी डिवाइस से बेटर तुम लोग को मिल जाएगा, डिस्प्ले भी मिल जाएगा बेटर, परफॉर्मेंस सबका बाप है यहाँ पे तुम लोग को मिल जाएगा। हाँ प्राइस रेंज तुम लोग अपने अनुसार से देख लेना कि कैसा है। बाकी ये वाला डिवाइस गाइस मोबॉक्स में GTA 5 को रन कर सकता है अगर तुम लोग को चाहिए, विद बेस्ट ऑफ बेस्ट FPS 10 से 20 FPS तक ये ले जा सकता है। और अगर ज़्यादा बढ़िया तुम लोग रैम ले लोगे ना, 12GB का रैम का वेरियंट ले लोगे तो भाई फाड़ देगा एम्यूलेशन का कम्युनिटी को ये वाला डिवाइस अकेले। तो होप जो वीडियो है गाइस तुम लोग को वीडियो पसंद आया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है ऐसे वीडियोज़ बनाने। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।